हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मानसिक रोगी नरपत का इलाज करवाएंगे दांतीवास के पूर्व सरपंच राज हॉस्पिटल के संचालक चौधरी। रानीवाड़ा रेलवे स्टेशन के सामने बाईपास रोड पर मांगीलाल पुत्र पुरकाराम देशांतरी का परिवार अत्यंत गरीब होने की वजह से मांगीलाल का पुत्र मानसिक रोगी नरपत का मानसिक संतुलन ठीक नहीं होने से पिछले एक माह से जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मांगीलाल के 5 संतान हैं, जिनमें 3 बेटी व 2 बेटे हैं। तीनों बेटियां व 1 पुत्र नरपत की शादी हो चुकी है। छोटा पुत्र अभी कवारा है। पत्नी मांगी देवी व बड़े पुत्र नरपत दोनों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। राम भी रूठा और राज भी रूठा। परिवार का गुजारा चलाने वाला मांगीलाल कुछ ही समय पहले दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसका भी सरकार से मुआवजा 8 दिन तक नहीं मिला। माँ व बेटे की देखभाल करने वाला 19 वर्षीय छोटा पुत्र है। मानसिक रोगी नरपत के 2 पुत्र है व पत्नी संगीता है। पिता का परिवार से साया उठने के बाद नरपत व माँ मांगी देवी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। गरीब परिवार होने से नरपत को काफी दिनों से घरों में आंगन में जंजीरों में जकड़ रखा है। देशांतरी की स्थिति अत्यंत गरीब है। इन संबंध में रानीवाड़ा ग्राम विकास अधिकारी भाणाराम बोहरा को सूचना मिलते ही सरपंच प्रतिनिधि मफाराम राणा के साथ देशांतरी मांगीलाल के निवास पर पहुंचे तो नरपत की स्थिति बहुत खराब थी। जंजीरों से जकड़ा हुआ था। इस गर्मी के मौसम में बदन पर कपड़ा नहीं था। काफी समय से स्नान भी नहीं किया था। दाढ़ी भी काफी बड़ी हुई थी। ग्राम विकास अधिकारी बोहरा द्वारा उनकी आर्थिक सहायता कर कपड़ों की और उसकी दाढ़ी वगैरह करवाने की व्यवस्था की गई। उसके बाद राज हॉस्पिटल भिनमाल के संचालक दांतीवास के पूर्व सरपंच चैनराज चौधरी से बोहरा ने संपर्क किया। चैनराज चौधरी तुरंत भिनमाल से रानीवाड़ा आकर मानसिक रोगी व्यक्ति व उसके परिवार से मिले। उन्होंने उक्त व्यक्ति का अपने खर्चे से उदयपुर इलाज करवाने की बात कही। उदयपुर चिकित्सकों से बात करके बहुत जल्द ही नरपत कुमार का इलाज चैनराज चौधरी द्वारा उदयपुर ले जाकर करवाया जाएगा। चैनराज चौधरी द्वारा पूर्व में भी दांतवाड़ा और धूलिया सूरजवाड़ा को 2 मानसिक रोगी युवाओं का उदयपुर ले जाकर इलाज करवाया गया था। जागरूक टीवी के लिए रानीवाड़ा से विद्या मदन माहेश्वरी की रिपोर्ट।